इसको किस तरीके से देखें? नहीं, ये ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन सरकार को ये तय करना पड़ेगा कि महिलाओं और लड़कियों की भागीदारी करवाना है ताकि महिलाएं उनका सम्मान हो सके। तो हाथरस की बेटी को भी इंसाफ नहीं मिला, उसका परिवार चीख चिल्ला रहा, उसको इंसाफ मिले, उसको सम्मान कैसे मिलेगा? उन्नाव की बेटी को इंसाफ कैसे मिलेगा? जो महिला अपराध बढ़े हैं उसके लिए कौन सा अलग सा कोई ऐसा विभाग आप सृजित कर रहे हैं ताकि महिला अपराध रुक सके? दूसरी बात यह कि इस सब के लिए बजट तो चलिए समझ में आता है, आप धर्म का काम कर रहे हैं, छुट्टा साणों से प्रदेश को मुक्त कराना भी धर्म का ही काम है, क्योंकि अभी आपको विजुअल देखने को मिला अलीगढ़ का, बच्चे को कुचल के मार दिया सांड ने, किस तरह के विजुअल आ रहे हैं, सड़कों पर छुट्टा सांडों का आतंक है, खेतों में आतंक है। तो सबसे महत्वपूर्ण यह है कि उत्तर प्रदेश की जनता को इन सब चीजों से राहत कब मिलेगी? सर, दत्तात्रेय होसाबले कह रहे हैं कि संघ ने हिंदू राष्ट्र की बात करी, ये कल्चरल कॉन्सेप्ट है और हम हमेशा से कहते आए हिंदू राष्ट्र मतलब भारत एक हिंदू राष्ट्र है और स्टेट और नेशन दो अलग अलग बात है। तो इंडिया एज अ नेशन एक हिंदू नेशन है, ये उनका कहना है, इसको किस तरीके से देखें? देखिए, कल्चरल भारत की जो संस्कृति है, जो यहाँ का कल्चर है, वो बहुत शालीन और सौम्य है। जिस तरह से संघ से जुड़े हुए नेता या भारतीय जनता पार्टी के से जुड़े हुए नेता जिस तरह की भाषा इन दिनों बोल रहे हैं, उनका एक विधायक महाराष्ट्र में जा करके जिस तरह की अपमानजनक बातें करता है, गालियां देता है, लगभग आरएसएस से जुड़े हुए आनुषांगिक संगठनों के नेता सीधे सीधे हिंसा की बात करते हैं, ये कौन सा कल्चर है? ये भारत का कल्चर तो नहीं है ना। भारत का कल्चर तो सबको एकजुट करके लेके चलने वाला है, समता मूलक कल्चर है, और भारत का कल्चर वही है जो संविधान में लिखा है, जो सबका सम्मान करता है, जो धर्म निरपेक्ष है। आरएसएस क्या संविधान को नहीं मानता क्या? सबसे बड़ा मेरा तो आरएसएस से प्रश्न है, क्या आप संविधान को नहीं मानते? अगर नहीं मानते तो सीधे सीधे बताइए कि हम नहीं मानते। हम डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की लिखी हुई जो पवित्र किताब है उसके शब्दों को नहीं मानते, ऐसा बताइए ना। आप क्यों भाग रहे? आप कल्चर की आड़ में अपने एजेंडे को लेकर कब तक छुपिएगा? आपका एजेंडा दरअसल किसी बाकी और किसी का सम्मान करने का नहीं है, लेकिन भारत की संस्कृति सबका सम्मान करती है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई दलित पिछड़ा सबका सम्मान करती है। वो सम्मान जिस दिन आप करने लगिए तब अपने आप को आप सांस्कृतिक संगठन बताइए तो समझ में आएगा। आज आप लोगों ने मार्च निकाला, जाने नहीं दिया गया, विजय चौक पे रोक लिया गया। स्मृति ईरानी सवाल कर रही है राहुल गांधी से कि वो मोदी जी से नफरत करते करते कब देश से नफरत करना शुरू कर दिया, उन्हें पता नहीं है, माफी मांगनी चाहिए, अपमान कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का, अपमान कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन जैसी संस्थाओं का। दरअसल स्मृति ईरानी जी राहुल गांधी जी से नफरत करते करते कब लोकतंत्र से नफरत करने लगी है वो बहुत बड़ा प्रश्न है। राहुल गांधी जी से नफरत करते करते पूरी भारतीय जनता पार्टी देश की संसद से नफरत करने लगी, उन्हें संसद चलने ही नहीं देना है, सत्ता पक्ष नहीं चाहता कि संसद चले। हम सदन में कह रहे हैं कि मोदी और अडानी के संबंधों पर चर्चा करिए, हम नाजायज संबंधों पर अगर चर्चा करने की बात कर रहे हैं तो अब क्यों नहीं कर रहे? वो नाजायज संबंध जो LIC और SBI का पैसा ले जाकर के उद्योगपति दोस्तों को दे दे रहा है, देश की जनता कह रही है कि ये सवाल पूछे, हम उन मुद्दों पर चर्चा करवाना चाहते हैं, लेकिन आप नहीं करना चाहते, फिर उल्टा आप राहुल गांधी के बहाने जो है अडानी से ध्यान हटाना चाहते हैं। हम आपको ध्यान नहीं हटाने देंगे, और अगर आप राहुल गांधी के एक बयान से आप असहमत हैं और कह रहे हैं कि लोकतंत्र का अपमान है, तो नरेंद्र मोदी जी ने विदेशों में कई दर्जन बार देश का अपमान किया है, लोकतंत्र का अपमान किया है। तो नरेंद्र मोदी जी का विदेश में दिया गया हर बयान माफी मांगने के योग्य है, पहले उनसे माफी मंगवा लीजिए, फिर राहुल गांधी से माफी मंगवाने के बारे में सोचिएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।